वेलकम फ्रेंड्स, आज हम टैली में कुछ और ट्रांजैक्शंस को रीड करेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, ऑन 31 जून 2012 पेड ₹4300 इन कैश टू अनिल इन फुल सेटलमेंट ऑफ इज अकाउंट फॉर ₹4500। इस ट्रांजैक्शन का यहाँ पे ये मीनिंग है कि 31 जून 2012 को 4300 की पेमेंट की है अनिल को, और फुल सेटलमेंट में उसने जो उसका अकाउंट था वो 4500 का था और उसकी पेमेंट 4300 में की है उसने। अब हम देखते हैं जो हमारे पास फर्स्ट एंट्री बनी है, यहाँ पे हम देखते हैं जो अनिल है उसको हमने डेबिट साइड में एंटर किया है, क्योंकि अनिल यहाँ पे रिसीवर है और यहाँ पे हमारा पर्सनल अकाउंट रूल अप्लाई होता है। पर्सनल अकाउंट रूल हमें ये बताता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। अब जो अनिल है वो यहाँ पे रिसीवर है, इसीलिए हम इसको डेबिट साइड में एंटर करेंगे। सेकेंड हम देखते हैं जो कैश में हमने पेमेंट की है तो हमारा जो बैंक बैलेंस है या कैश है वो रिड्यूस हो जाएगा। कैश रिड्यूस हो, जब हमारा कैश रिड्यूस होता है तो उसको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। अब हम अगर इस एंट्री को दोबारा से रीड करें इस ट्रांजेक्शन को, तो जो अनिल है उसने यहाँ पे 4500 में से 43 की पेमेंट की है, तो ₹200 का उसने फर्म को डिस्काउंट दिया है, और जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे फर्म के लिए प्रॉफिट है। प्रॉफिट के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट रूल अप्लाई होता है। नॉमिनल अकाउंट हमें यू रूल ये बताता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल गेंस एंड प्रॉफिट। अब जो यहाँ पे डिस्काउंट है वो फर्म के लिए एक तरह का प्रॉफिट है, और इसने यहाँ पे हमने डिस्काउंट को क्रेडिट साइड में एंटर किया है। अब हम देखते हैं हमारे पास ये जो एंट्री बनी है वो इस तरह से है, अनिल डेबिट 4500 टू कैश अकाउंट जो उसने पेमेंट की है 4300, टू डिस्काउंट रिसीव जितना यहाँ पे हमें डिस्काउंट मिला है 200। इस तरह से जो हमारी फर्स्ट ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम सेकंड ट्रांजैक्शन रीड करते हैं। ऑन 2 जुलाई 2012 निखिल इज डिक्लेयर्ड इनसॉल्वड, रिसीव्ड फॉर हिज ऑफिशियल रिसीवर ए फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड ऑफ 80 पैसे इन रुपीज ऑन डेप्ट ऑफ 1000। मीन्स 2 जुलाई 2012 को निखिल ने इनसॉल्वेंट डिक्लेयर किया है, और उसने जो रिसीव किया है फर्स्ट और फाइनल डिविडेंड 80 पैसे 1 रुपये में से, जो उसकी अमाउंट है डेप्ट की वो है 1000। मीन्स 1000 का 80 पैसे उसने रिसीव किया है। अब हम देखते हैं जो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट एंट्री है। सबसे पहले हम यहाँ पे रीड करेंगे इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट का हिंदी में मीनिंग होता है दिवालिया। अब हम देखते हैं जो 80 पैसे है, मतलब 80% हमें उसको रिसीव हुआ है, और जो बाकी है वो यहाँ पे डूब गया है। और कैश को हम देख सकते हैं यहाँ पे हमने डेबिट में रखा है। कैश को हमने डेबिट में इसीलिए रखा है क्योंकि यहाँ पे हमारा पर्सनल अकाउंट रूल अप्लाई होता है, क्योंकि हम कैश रिसीव करते हैं, इसीलिए जो हम जितनी हमने अमाउंट यहाँ पे रिसीव किया है, जैसे हमने 80% रिसीव किया है, 1000 को 80% के साथ कैलकुलेट करके 800 हमारे पास जो अमाउंट आई है उसको हमने कैश में अगर एंट्री में एंटर किया है। अब हम देखते हैं जब पैसा डूब जाता है तो हम यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करते हैं बैड डेप्ट। बैड डेप्ट का मीनिंग है जो पैसा हमारे पास यहाँ पे डूब चुका है उसको हम बैड डेप्ट एंट्री में इंक्लूड करते हैं। बैड डेप्ट यहाँ पे हमारा नॉमिनल अकाउंट है, क्योंकि यहाँ पे फर्म के लिए एक तरह का लॉस है, तो हम इसको क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं, डेबिट साइड में एंटर करते हैं, क्योंकि जो नॉमिनल अकाउंट रूल है वो हमें ये बताता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर एंटर इन डेबिट साइड। अब हम इस तरह देख सकते हैं जो हमने बैड डेबिट को एंटर किया है वो हमने डेबिट साइड में एंटर किया है। अब हम देखते हैं जो निखिल है वो यहाँ पे गिवर है, और गिवर के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा पर्सनल अकाउंट रूल अप्लाई होता है। पर्सनल अकाउंट रूल में ये बताता है कि जो ऑल रिसीवर होते हैं उनको हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं और गिवर को हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। इसको हम दूसरी तरह भी रीड कर सकते हैं, जैसे जो निखिल है वो यहाँ पे डेटर है, क्योंकि जब हम पेमेंट जिसको पेमेंट मिलती है उसे हम नलीफाई रखने के लिए क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। इसीलिए हम देखते हैं हमारे पास जो एंट्री बनी है वो है कैश अकाउंट डेबिट 800, बैड डेबिट अकाउंट 200 टू निखिल 1000। इस तरह हमारे पास जो सेकेंड ट्रांजैक्शन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम थर्ड ट्रांजैक्शन को रीड करते हैं। ऑन 7 जुलाई 2012 मिस्टर कुमार हु ओन्ड ₹5000 हैड फेल्ड टू रीपे हिज डेब्ट इन फुल। मीन्स 7 जुलाई 2012 को मिस्टर कुमार को जो ऑन किए हैं ₹5000 वो फेल हो चुका है रीपे करने के लिए फुल पेमेंट में। ही पेज ए कंपेंशन ऑफ
50 पैसे इन द रुपी, उसने जो इसकी पेमेंट की है वो 50% 50 पैसे जो हम रुपीज़ के अकॉर्डिंगली इसको कैलकुलेट करते हैं 50% इसकी पेमेंट की है। अब हम देखते हैं जो कैश हमारे पास आया है तो हमारे जो असेट्स हैं वो बढ़ चुके हैं, इसीलिए हमने जो कैश है उसको हमने डेबिट साइड में एंटर किया है। जो कैश है वो हमारे पास 5000 है, इसीलिए जब कैश हमारे पास आता है तो यहाँ पे हमारा रियल अकाउंट रूल भी अप्लाई होता है। रियल अकाउंट रूल के अकॉर्डिंग जो चीज़ हमारे पास आती है व्हाट कम्स इन उसको हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं, इसीलिए हमने कैश को डेबिट साइड में एंटर किया है। सेकंड, हम पहले भी पढ़ चुके हैं जो पैसा डूब जाता है या जो पैसा हम रीपे नहीं कर सकते उसको हम बैड डेबिट के नाम देते हैं, इसीलिए हमने बैड डेबिट का जो पैसा है उसको हमने यहाँ पे एंटर किया है, उसको भी हमने जो डेबिट साइड में एंटर किया है क्योंकि ये फर्म के लिए एक तरह का लॉस है, जैसे हमने सेकंड एंट्री में भी रीड किया था, तो इसीलिए हमने जो बैड डेबिट है और लॉसेस को हम जो नॉमिनल अकाउंट होता है उस वो रूल हमें ये बताता है जो ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस होते हैं उनको हम डेबिट साइड में एंटर करते हैं, इसीलिए हमने जो बैड डेब्ट है उसको भी हमने डेबिट साइड में एंटर किया है। अब हम देखते हैं जो मिस्टर कुमार है वो यहाँ पे पेमेंट कर रहा है, वो यहाँ पे एक तरह का गिवर है, तो गिवर के अकॉर्डिंग हमारा यहाँ पे पर्सनल अकाउंट रूल अप्लाई होता है। पर्सनल अकाउंट रूल हमें ये बताता है डेबिट ऑल रिसीवर क्रेडिट ऑल गिवर, जो गिवर है उनको हम क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। अब हम देखते हैं जो इस तरह से हमारे पास एंट्री बनी है वो है कैश अकाउंट डेबिट 5000, बैड डेब्ट्स रुपीज़ 5000 टू कुमार 2500, मीन्स यहाँ पे जो हमने कुमार ने जो यहाँ पे हमें पेमेंट की है उसको हमने 50% के अकॉर्डिंगली 5000 से कैलकुलेट करके यहाँ पे अमाउंट फिल की है। इस तरह हम देखते हैं थर्ड एंट्री हमारे पास, थर्ड जो ट्रांजैक्शन है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। लास्ट वन हमारे पास ट्रांजैक्शन है ऑन 10 जुलाई 2012 रिसीव्ड कैश फॉर ए बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर रुपीज़ 1000, मीन्स 10 जुलाई 2012 को कैश में पेमेंट रिसीव हुई है बैड डेब्ट रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर 1000 की। यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है बैड डेब्ट, जिसका अगर हम बैड डेब्ट को रिकवर करना चाहते हैं, अगर हमारे पास डूबा हुआ पैसा आ जाता है तो उसको हम एक वर्ड देते हैं बैड डेब्ट रिकवर्ड, ठीक है। अब हम देखते हैं जो कैश अकाउंट है, इस एंट्री में हमने कैश अकाउंट को डेबिट साइड में एंटर किया है क्योंकि जो कैश है वो हमारे पास आया है, हमारे पास जो असेट्स हैं वो बढ़ गए हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे कैश को डेबिट साइड में एंटर किया है। यहाँ पे हम वो अमाउंट फिल करेंगे जो हमारे पास अमाउंट आई है। अब हम देखते हैं सेकंड साइड में हमने जो बैड डेब्ट रिकवर्ड है यहाँ पे इसको हमने डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में एंटर किया है क्योंकि जो बैड डेब्ट रिकवर हैं वो नॉमिनल अकाउंट के अंडर आते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है, जो हमारा डूबा हुआ पैसा है वो वापस आ चुका है, इसीलिए हमने बैड डेब्ट रिकवर को गेन माना है, प्रॉफिट माना है। जो प्रॉफिट है वो हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंडर आते हैं और प्रॉफिट्स को हम हमेशा क्रेडिट साइड में एंटर करते हैं। इस तरह हम देखते हैं जो हमारे पास एंट्री बनी है वो इस तरह से है, कैश अकाउंट डेबिट 1000 टू बैड अकाउंट रिकवर्ड 1000। थैंक यू।